एपिसोड 98, पैसा या मोहब्बत। मैनेजर अपनी वहशी निगाहें मुग्धा की ओर डालकर अपनी उंगली के इशारे से मिहिर से कहता है, अपनी माशूका को सिर्फ एक रात के लिए मेरे पास भेज देना, बाकी का सब मैं देख लूंगा। ये सुनते ही जैसे मिहिर की उन एक जोड़ी आंखों में खून उतर आया और वो गुस्से में पागल हो गया। अभी मैनेजर की उंगलियां मुग्धा की तरफ से हटी भी नहीं है कि मिहिर ने पलक झपकते ही पास ही मौजूद फाइबर का चेयर उठाया और धड़ाम से उस मैनेजर पर दे मारा। मैनेजर को एक पल के लिए ही समझ ही नहीं आया और देखते ही देखते वो अगले ही पल एक जोरदार धक्के के साथ नीचे जमीन पर रेंगने लगा। लेकिन इतने से भी मिहिर का गुस्सा कम न हुआ और वो बिल्कुल एक भूखे शेर की तरह उस मैनेजर पर कूदते हुए एक के बाद एक कई लात और घूंसे बरसाने लगा और चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरी मुग्धा के बारे में तूने ऐसे बोला कैसे? मार डालूंगा तुझे आज मैं। पास बैठा इंजीनियर मिहिर को ऐसी हरकतें करता देखकर उसकी ओर भी लपका, लेकिन मिहिर इस वक्त अपना आपा बुरी तरह से खो चुका है। इंजीनियर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मिहिर उस पर भी चढ़ बैठा और एक के बाद एक लगातार उस पर भी घूंसे बरसाने लगा, क्योंकि मिहिर ने उसके होंठों पर भी वही मुस्कुराहट देखी थी जो मैनेजर के चेहरे पर नजर आ रही थी और मिहिर अगले ही पल समझ चुका था कि दोनों की मिलीभगत है। इंजीनियर वहां से भागने की जद्दोजहद करने लगा, लेकिन मिहिर मैनेजर और इंजीनियर को भागने का कोई भी मौका नहीं दे रहा है। ये झगड़ा देख कर तब तक मुग्धा भी भागते हुए आई और मिहिर को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस पर भी मिहिर बिल्कुल न रुका। नहीं मुग्धा, छोड़ो मुझे, मैं इस बास्टर्ड की जान ले लूंगा। और इतना कहकर काफी देर तक उस मैनेजर को मार मार कर मिहिर ने अधमरा सा कर दिया। वो मैनेजर जमीन पर मुंह से खून उगलते हुए गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मिहिर जोर से चिंघाड़ता हुआ बोला, गलती? ये गलती नहीं है, इट्स अ क्राइम यू ब्लडी पर्वर्ट। और इतना कहकर मिहिर जोर जोर से उस आदमी को लात मारने लगा। मिहिर आगे भी उस वहशी को और ज्यादा मारना चाहता है, लेकिन मुग्धा ने मिहिर को समझाते हुए कहा, प्लीज मिहिर छोड़ दो इसको, रुक जाओ प्लीज। मिहिर रुक जाता है और मुग्धा को भी वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी जाते हुए उस मैनेजर के पॉकेट से पैसा निकालते हुए मिहिर ने कहा, अपने हक के पैसे ले जा रहा हूँ, और जो तूने आज कहा है ना, आज के बाद किसी भी लड़की के बारे में मत कहना, नहीं तो फिर मैंने तो तेरी जान बख्श दी, मेरी जगह कोई और होगा ना, वो ऐसी बातों में तुझे नहीं बख्शेगा। इतना कहकर मिहिर मुग्धा को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं अपने उस छोटे से घर में पहुंचकर मिहिर ने मुग्धा को रास्ते में ही सारी बात बता दी थी, जिसे सुनकर मुग्धा को मिहिर के बर्ताव पर कोई भी अफसोस नहीं हुआ। उसने सिर्फ इतना ही कहा, मिहिर आइंदा से कोई भी ऐसा कुछ भी कहे तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये पूरी दुनिया ही ऐसी है, आखिर मेरी वजह से कब तक और कितनों को मारते पीटते रहोगे आप। मिहिर ने मुग्धा की आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हारी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ डालूंगा मैं, चाहे फिर पूरी दुनिया ही क्यों ना हो, मैं अपनी मुग्धा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फिर मुझे कितनी भी चोटें लगे मैं एक उफ तक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि कोई भी मेरी मुग्धा पर उंगली उठाए। इतना कहकर मिहिर खामोश रह गया। वहीं मुग्धा बड़े प्यार से मिहिर की ओर देखकर उसके जख्मों पर दवा लगाने लगी। दर्द पर मरहम लगाते ही मिहिर एक बच्चे की तरह उछलने और कूदने लगा। मुग्धा आराम से करो, जलन हो रही है मुझे, प्लीज आहिस्ते। मुग्धा मिहिर के जख्मों पर हल्का हल्का फूंक मारते हुए दवा लगाते हुए कहने लगी, अभी तो कोई कह रहा था कि मैं मुग्धा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चोट लगने पर उफ तक नहीं करूँगा मैं, तो मिस्टर खुराना अभी आप ये क्या कर रहे हैं? मिहिर ने मुग्धा की शरारत भरी आंखों को पढ़ते हुए कहा, लगता है कल की बाकी कसर को पूरा करना चाहता है। इतना कहकर मिहिर अपने जख्मों को भूलकर मुग्धा के गले लगकर उसके माथे से लेकर उसके गालों पर प्यार करने लगा और धीरे धीरे उनके बीच का प्यार और गाढ़ा होने लगा, क्योंकि जहाँ नोकझोंक होती है बेइंतहा प्यार भी तो वहीं होता है। वहीं एक तरफ जहाँ मिहिर और मुग्धा के बीच का प्यार धीरे धीरे और गाढ़ा होता जा रहा है, वहीं ओल्ड विला में कोई उनके बीच उमड़ रहे प्यार के दरमियान
दूरियां लाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। पृथ्वीराज उस वक्त भी किसी से फोन पर बातें करते जा रहे हैं। क्या कहीं भी नहीं मिल रहे वो लोग? हर एक जगह पर ढूंढ कर देख लिया लेकिन फिर भी नहीं। सामने से एक बेहद मजबूर आवाज सामने आई, नहीं साहब। तभी इस बात पर पृथ्वीराज ने कहा, आखिर कहां जा सकते हैं वो दोनों? क्या जमीन खा गई उन्हें या आसमान निकल गया? फोन की दूसरी तरफ इस सवाल पर खामोशी छाई रही। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पृथ्वीराज के हाथों से कोई चीज बाहर निकल गई हो। नहीं नहीं नहीं, पृथ्वीराज इतनी आसानी से नहीं हार सकता। आगे कुछ सोचते हुए पृथ्वीराज ने कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, इनाम जारी करना। एक काम करो, शिमला और उसके आसपास के सारे शहरों में मिहिर और मुग्धा के फोटोज के साथ 1,00,000 का इनाम जारी कर दो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। सामने से सिर्फ सहमति में इतना ही सुनाई दिया। जी साहब। वहीं इतना कहकर पृथ्वीराज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं अपने स्टडी रूम में अपने गुमान और अहंकार में डूबकर पृथ्वीराज ने कहा, जरा मैं भी तो देखूं, मोहब्बत जीतती है या फिर मेरे पैसों की ताकत। क्योंकि पृथ्वीराज ने अक्सर पैसों के आगे मोहब्बत को हारते हुए देखा है, और पृथ्वीराज इस बार भी देखेगा मोहब्बत को हारते हुए। वहीं स्टडी रूम के बाहर कोई और भी है जो पृथ्वीराज की इस अहंकारी बातों का साक्षी है, जिसे इस वक्त मिहिर और मुग्धा की चिंता सबसे ज्यादा है, यानी गोविंद उर्फ ओल्ड विला का मामूली सा एक नौकर थापा। वहीं जब हमें लगता है कि हमारे आसपास सब कुछ सही चल रहा है, तभी कहीं कुछ तो ऐसा होता है जो बिल्कुल भी सही नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग हमारे पीठ पीछे सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, किसी भी मतलब किसी भी हद तक। वो तब ये भी नहीं सोचते कि वो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी आंखों पर तब सिर्फ और सिर्फ लालच की निगाहें चढ़ चुकी होती है। अगली सुबह सोलन में, शिमला समेत उसके आसपास के हर शहर में, सिनेमा घरों की दीवारों से लेकर बाजार में हर तरफ मुग्धा और मिहिर के नाम के पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, और इन पोस्टर्स के साथ इनाम की राशि 1,00,000 रुपए भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मिहिर और मुग्धा के बारे में कुछ भी मालूम चलने पर उनके बारे में बताने के लिए उस पोस्टर के साथ एक कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है। हर किसी की नजर मुग्धा और मिहिर की इस तस्वीर पर जाकर ठहर जाती है, और वो सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने इन्हें कहीं देखा है। वहीं ये तस्वीर और तस्वीर पर लिखी इनाम की राशि को देखकर जहां किसी का भी ईमान डोल सकता है, एक और इंसान का ईमान डोल जाता है जब मिहिर और मुग्धा के मकान मालिक हवलदार की नजरें इस तस्वीर की तरफ देखती हैं, और कुछ देर के लिए उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो बार बार मुग्धा और मिहिर की तस्वीर की ओर देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है। अरे ये तो सोना देने वाली मुर्गियां निकली, इनके नाम पर तो 1,00,000 का इनाम है। इस बात की भनक मुझे उसी रात लग गई थी जब मैंने पहली बार इन्हें सोलन बस से उतरते देखा था। अब बस चारा डालना है और शिकार से मिलने वाला इनाम मेरी मुट्ठी में होगा। ये सोचकर उस हवलदार के होंठों पर एक हंसी खेल गई। वहीं मिहिर और मुग्धा को इन सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, वो इन बातों से बिल्कुल बेखबर और अनजान है। वहीं अपने कमरे में मौजूद मिहिर मुग्धा एक दूसरे में खोए हुए हैं और आपस में अपने आने वाले कल को लेकर बातें कर रहे हैं। मिहिर आईने के सामने बैठा बहुत प्यार से मुग्धा के बाल बना रहा है। मुग्धा प्यार से मिहिर को कहती है, वाह आप तो बड़े अच्छे से मेरे बाल बना रहे हैं, इससे पहले भी कितनी लड़कियों के बाल ऐसे बना चुके हैं? मिहिर कुछ सोच में पड़ जाता है और उंगलियों पर कुछ गिनते हुए कहता है, मुझे लगता है 17 लड़कियों के, नहीं नहीं 18 लड़कियों के। मुग्धा ये सुनकर हैरान हो जाती है और शरारत भरे लहजे में कहती है, अच्छा जी 18 लड़कियां, रुको अभी बताती हूँ मैं आपको। इतना कहकर मुग्धा मिहिर को तकिए से मारने लगती है और मिहिर वहाँ से उठकर कमरे में इधर उधर भागने लगता है। तभी नीचे पड़े कारपेट में मुग्धा का पैर उलट जाता है और वो गिरने लगती है। तभी मिहिर उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लेता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। मिहिर मुग्धा का माथा चूमते हुए कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम साथ हैं मुग्धा। मुग्धा भी मिहिर को सीने से लगाए हुए कहती है, अब आदत डाल लीजिए आप मुझे हमेशा साथ देखने की। ये सुनकर मिहिर कहता है,
मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा मुग्धा, बस हम जल्दी शादी कर ले तो उसके बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी चाहिए, मुग्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटी ही क्यों, बेटा क्यों नहीं, मिहिर ने मुग्धा से कहा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेटी बिल्कुल तुम पर जाए। मुग्धा और मिहिर अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें मिलने हवलदार आ जाता है और अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान और वहाँ पहाड़ों पर मिलने वाली एक खास किस्म की मिठाई लेकर जाता है। अब तक इस हवलदार को मिहिर और मुग्धा दोनों की सारी सच्चाई मालूम चल चुकी है कि इन दोनों का नाम असलियत में ऐश्वर्या और अभिषेक नहीं है और ये दोनों शिमला शहर से भाग कर आए हुए हैं। और तो और मुग्धा बहुत ही अमीर परिवार से है और मिहिर और मुग्धा का हाल चाल पूछते हुए वो हवलदार कहता है, अभिषेक बेटा मैंने एक काम के बारे में पता लगाया है, कल से तुम वो काम ज्वाइन कर सकते हो, एक छोटी सी कंपनी है और कुछ हिसाब किताब का काम है। ये सुनकर मुग्धा और मिहिर दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए उस हवलदार से कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वैसा अनजान लोगों के लिए आजकल कोई भी नहीं करता। इस बात पर वो हवलदार मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं मुफ्त में नहीं कर रहा। इतना कहकर वो हवलदार दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वहीं उसकी ये बात सुनकर मिहिर और मुग्धा दोनों चौंक जाते हैं। सर हम लोग कुछ समझे नहीं, मिहिर उस हवलदार की ओर देखकर पूछता है। तभी अपनी अधूरी बात को मुकम्मल करते हुए वो हवलदार कहता है, अब प्यार, मुझे दोनों की मदद के बदले प्यार मिल रहा है, बहुत सारा प्यार, और एक इंसान को और चाहिए भी क्या सिर्फ मोहब्बत और प्यार के सिवा, क्योंकि इंसान प्यार का ही तो भूखा होता है। आखिर में मुग्धा और मिहिर को हवलदार की बातों का मर्म समझ में आता है और वो दोनों भी मुस्कुराने लगते हैं। आपने सही कहा, इस दुनिया में प्यार ही इकलौती एक ऐसी चीज है जो अगर किसी के साथ बिना शर्त के करो तो मन को बेहद खुशी होती है, और आपकी बात 100% सच है। और हाँ अभिषेक बेटा, तुम जरा अभी घर से बाहर मत जाना, वो जो तुमने पिटाई की थी ना उस मैनेजर की, वो लोग थाने आए थे कंप्लेंट करने, मैंने कंप्लेंट नहीं लिखी और उन्हें समझा बुझा कर वहाँ से भेज दिया। ये सुनकर मुग्धा और मिहिर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें एक बार फिर शुक्रिया कहते हैं। हवलदार मुस्कुराते हुए कहता है, ये लो ये बाल मिठाई खाओ, यहाँ सोलन की फेमस मिठाई है ये। इतना कहकर वो हवलदार एक बैग से दोनों की तरफ बाल मिठाई निकाल कर बढ़ा देता है। मिहिर और मुग्धा भी हवलदार की इन प्यार भरी बातों को सुनकर बहुत खुश होते हैं और उसे ना नहीं कह पाते और उस स्वादिष्ट से दिखने वाली बाल मिठाई को खा लेते हैं। लेकिन मिठाई को खाते ही मिहिर को अपना सिर कुछ भारी लगने लगता है, उसे लगता है जैसे वो छोटा सा कमरा उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से गोल गोल घूमने लगा है और उसका सिर कुछ चक्कर काटने लगता है। वहीं मुग्धा को अपनी आंखें कुछ भारी लगने लगती है और वो कुछ ही देर में वहां जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। मुग्धा को यूं अचानक से नीचे जमीन पर गिरता देख मिहिर उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और मुग्धा को उठाने के लिए नीचे झुकते ही वो खुद भी नीचे धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाता है। और उन दोनों की तरफ देखते हुए वो हवलदार मुस्कुरा कर कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं कुछ भी मुफ्त में नहीं कर रहा, आखिर तुम दोनों के बदले मुझे भी तो कड़क नोट मिलेंगे, मुझे माफ करना, लेकिन ऐसा मेरे लिए करना जरूरी था। मिहिर और मुग्धा दोनों को उस बेहोश हालत में छोड़कर वो हवलदार बाहर से दरवाजे पर ताला लगाकर लॉक कर देता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, अब मुझे इनाम की राशि हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या होगा कहानी में आगे, क्या वाकई में इस लालची हवलदार की वजह से मिहिर और मुग्धा के साथ बुरा होने वाला है, क्या वाकई में मोहब्बत पैसों के आगे हार जाएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जो किसी ने सोचा तक नहीं।